हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फिट एंड बेला विद अर्पिता। मैं हूँ अर्पिता। आज मेरा ये लुक टीनेज के लिए है और फेस्टिवल है तो क्या हुआ, सब लोग इंडियन वेयर नहीं पहनते हैं, ट्रेडिशनल वेयर नहीं पहनते हैं, वेस्टर्न वेयर भी पहनते हैं, तो उनके लिए भी है ये लुक और जो लोग बिगिनर्स है वो लोग भी ये लुक कैरी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है, उसके बाद मैंने ममा अर्थ का एप्पल सिंडर मॉइस्चराइजर लगाया है और अभी मैं ये सनस्क्रीन लगाऊंगी। ये बायोटेक का बायोकरेट सनस्क्रीन है, तो दिन में अगर आप मेकअप कर रहे हो तो ज़रूर सनस्क्रीन यूज़ करें। यूज़ कर रही हूँ फेयर एंड लवली का बीबी क्रीम। आप वैदिक लाइन से ये बीबी क्रीम भी ऑर्डर कर सकते हो, या तो पॉन्ड्स या कोई भी दूसरे ब्रांड का बीबी क्रीम आप यूज़ कर सकते हो। तो बीबी क्रीम से छोटे छोटे डॉट लगाएंगे पूरे फेस पे, फिर आप इस तरह का ब्लेंडिंग स्पॉन्ज ले सकते हो, अपने फिंगर का इस्तेमाल कर सकते हो या तो ब्लेंडिंग ब्रश भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग स्पॉन्ज का यूज़ कर रही हूँ। मैं इसको पहले इस तरह से डैप करते हुए, देखिए इस तरह से इसको ब्लेंड करूँगी, फिर सर्कुलर मोशन में इसको ब्लेंड करूँगी। अगर आप फिंगर का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप हल्के सर्कुलर मोशन से इसको ब्लेंड कीजिए ताकि कोई लाइन या क्रीज ना आए फेस पे। फिर हम थोड़ा सा बीबी क्रीम हमारे नेक पे और आईज के लीड पे भी अप्लाई करेंगे। फिर हम इसको अच्छे से डैप करते हुए ब्लेंड करेंगे। फिंगर का इस्तेमाल कर रहे हो तो अच्छे से सर्कुलर मोशन में धीरे धीरे इसको ब्लेंड करें। मैं यूज कर रही हूँ फिट मी लूज फिनिशिंग पाउडर। आप लैक्मी का कॉम्पैक्ट भी यूज कर सकते हो। तो इस पाउडर को मैं इस ब्रश से अप्लाई करूंगी। सॉरी मैं कुछ खा रही हूँ, मेरे मुंह में कुछ है। तो आप इस पाउडर को देखिए इस तरह से ब्रश से मैं लगा लूंगी पहले, फिर मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। अगर आप कॉम्पैक्ट यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर ब्लेंडर रहता है, तो आप अच्छे से उसको ब्लेंड करें। अब बारी है आईब्रोज की, तो मैं यहाँ पे लैक्मी का आईब्रो पेंसिल यूज कर रही हूँ। आप इस तरह का आईब्रो पेंसिल ले सकते हो जिसमें लैश ब्रो ग्रूमर ऑलरेडी रहता है। मेरे पास अलग से है तो मैं इससे अपने ब्रोज को कोम कर रही हूँ। आंखों के लिए मैं ले रही हूँ कलर बर का काजल। इसको मैं देखिए इस तरह से कॉर्नर के साइड से सिर्फ मिडिल तक ही अप्लाई करूंगी, यानी हाफ। इससे आंखें बहुत ही अच्छी दिखती है और आप चाहे तो ऊपर भी इसको अप्लाई कर सकते हो हाफ। इससे आंखें बड़ी भी दिखती है और बहुत अच्छी दिखती है। तो आई शेडो के लिए मैंने लिया है मार्स का आई शेडो पैलेट। आप कोई भी ब्रांड का आई शेडो पैलेट यूज़ कर सकते हो। मैं ले रही हूँ ये दो कलर्स। इफ़ यू वांट टू प्ले विद द कलर्स यू कैन टेक एनी कलर फ्रॉम द पैलेट। तो सबसे पहले जो लाइट वाला कलर है वह पूरे अपर लीड या तो क्रीज तक पूरा कवर कर लूँगी और ध्यान रहे सिर्फ आईब्रोज के नीचे जो लाइन है वहाँ तक ना जाए। क्योंकि फेस्टिवल है इसीलिए मैं थोड़ा शिमरी वाला आई शेडो भी अप्लाई करूंगी। ये सेम कलर का ही है आई शेडो। इफ़ यू वांट टू स्किप दिस स्टेप यू कैन। शिमरी वाला आई शेडो मैं सिर्फ अपर लिड तक ही अप्लाई करूंगी, उसके ऊपर नहीं जाऊंगी, ज़्यादा नहीं फैलाऊंगी इसको। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज मैं इसको बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। ये लैक्मी का लॉन्ग लास्टिंग लिक्विड आईलाइनर है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ अगर आपको विंग करना है या तो कैट आई करना है तो हमेशा आंखों के मिडिल से स्टार्ट करें लाइन करना। इससे आपको बहुत ही आसानी होगी लाइन करना और आप समझ पाओगे कि कहाँ तक लाइन करना है।
इसके बाद हम इनर कॉर्नर से एक लाइन करके इन दोनों को जोड़ देंगे। फिर नीचे से एक लाइन हम इस तरह से खींचेंगे, एक कोन के जैसा देखिए बनाएंगे, फिर इसको फिल कर देंगे। सेम इस साइड भी करेंगे। मैं यहाँ पे मेवलिन का मास्करा ले रही हूँ। पहले हम ऊपर के लैशेस को अप्लाई करेंगे, फिर नीचे वाले लैशेस पे यूज करेंगे। फिर और आपको अगर आंखों को एनहांस करना है तो आप पैलेट से जो ब्लैक कलर है वो लीजिए, और आंखों के नीचे के हिस्से में देखिए इस तरह से हल्का हल्का अप्लाई कीजिए, ज्यादा डार्क मत कीजिए, बहुत ही हल्का अप्लाई कीजिए। मैं यहाँ पे एक क्रेयॉन लिपस्टिक यूज कर रही हूँ। सेम क्रेयॉन लिपस्टिक मैं अपने चिक्स पे भी अप्लाई करूंगी एज ए ब्लश। इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। टू फिनिश मैं फिर से फिट मी का लूज पाउडर यूज करूंगी। अगर अपने फेस पे थोड़ा सा शाइन चाहते हो तो आप इस तरह का हाइलाइटर यूज कर सकते हो, ये स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर है। सिर्फ इसको अपने चीक्स बोन के ऊपर अप्लाई कीजिए फिंगर से, अगर आपके पास ब्रश है तो आप ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर पूरे गालों पे आप यूज मत कीजिए, इसको सिर्फ अपने चीक्स बोन्स के ऊपर अप्लाई कीजिए। फिर अपने नोज के ऊपर देखिए इस तरह से, थोड़ा सा मैं अपने चिन पे अप्लाई कर रही हूँ और फोरहेड पे भी, और थोड़ा सा लेके मैं आईब्रोज के नीचे भी अप्लाई कर रही हूँ। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे। बाय।